एक प्रकार से 1857 से लेकर के 1947 तक आजादी के आंदोलन के अलग अलग पड़ाव आए, अलग अलग पराक्रम हुए, अलग अलग बलिदान हुए, उतार चढ़ाव भी आए, अलग अलग मोड़ पर से आंदोलन गुजरा। लेकिन 47 की आजादी के पहले 42 की घटना एक प्रकार से अंतिम व्यापक आंदोलन था, अंतिम व्यापक जनसंघर्ष था। और उस जनसंघर्ष में आजादी के लिए देशवासियों को सिर्फ समय का ही इंतजार था, वो स्थिति पैदा कर दी थी। और जब हम आजादी के इस आंदोलन की ओर देखते हैं तो 1942 एक ऐसी पीठिका तैयार हुई थी, 1857 का स्वतंत्र संग्राम एक साथ देश के हर कोने में आजादी का बिगुल बजा था। और उसके बाद महात्मा गांधी का विदेश से लौटना, लोकमान्य तिलक का पूर्ण स्वराज और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है उस भाव को प्रकट करना, 1930 में महात्मा गांधी की दांडी मार्च, नेताजी सुभाष बोस द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना, अनेक वीर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, चाफेकर बंधु, अनगिनत अपने अपने समय पर बलिदान देते रहे। ये सारा ने एक पीठिका तैयार की और इस पीठिका का परिणाम था कि 42 ने देश को एक उस छोर पे लाकर रख दिया कि अब नहीं तो कभी नहीं, आज नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, ये मिजाज देशवासियों का बन गया था। और इसके कारण उस आंदोलन में इस देश का छोटा मोटा हर व्यक्ति जुड़ गया था। कभी लगता था आजादी का आंदोलन एक एलिट क्लास के द्वारा चल रहा है, लेकिन 42 की घटना देश का कोई कोना ऐसा नहीं था, देश का कोई वर्ग ऐसा नहीं था, देश की कोई सामाजिक अवस्था ऐसी नहीं थी कि जिसने इसे अपना न माना हो, और गांधी के शब्दों को लेकर के वो चल पड़े थे।